हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब मस्त? मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ। और आज हम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यामाहा R15 V4 एंड यामाहा R2 के बारे में। तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे चल रहे हैं आजकल। R15 V4 का तो पिछले 3-4 वीक से चल रहा है, लेकिन जो R2 है उसके वीडियोज पिछले 2-3 दिन से ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो R15 V4 एंड R2 अलग अलग है या फिर एक ही बाइक है। आप सबको पता ही होगा कि यामाहा जब भी R सीरीज की कोई बाइक निकालता है, जैसे R15 है, R3 है, R6, R7, R1, इनका जो नाम है ना वो इनके इंजन सीसी सेगमेंट के हिसाब से निकालता है। जैसे R15 का इंजन का सीसी है 155 एंड जो R3 है उसका इंजन का सीसी सेगमेंट है 321 सीसी एंड R6 का है 600, R7 का है 700, R1 का है 1000, तो उनके हिसाब से निकालता है। तो पहली बात तो यही है कि जो R15 V4 है वो R2 नहीं है। R2 एंड R15 V4 अलग अलग दो बाइक्स हैं। और आजकल जो वीडियोज़ आ रहे हैं ना यामा R15 V4 एंड R2 दोनों एक ही बाइक है, तो वो गलत है। R2 जो रहेगा ना वो 200 सीसी सेगमेंट का बाइक रहेगा। एंड R15 जो V4 है वो आपको पता ही है कि ये जो अपनी बाइक है V3, इसका ही एक अपग्रेडेड वेरियंट रहेगा। अब थोड़ी सी बात करेंगे पहले R2 के बारे में। तो R2 200 सीसी सेगमेंट का बाइक रहेगा। उसका पावर भी ऑलमोस्ट 24 से लेकर 25 BHP रहेगा। प्राइस भी ज़्यादा रहेगा, प्राइस 2.3 से लेकर 2.5 लाख तक हो सकता है, लेकिन 2.3 लाख से कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बिकॉज ये वाली जो 155 सीसी सेगमेंट की बाइक है इसका ही आप ऑलमोस्ट 1.86 लाख अभी हैदराबाद में हमने पे किया है, तो उसका तो ऑलमोस्ट 2.3 मिनिमम रहेगा। एंड वो जो बाइक है अभी कब आएगी या फिर आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज इसका जो पेटेंट है नाम का R2 का वो 4 अगस्त को फाइल किया गया है एंड दैट वॉज डन इन अदर कंट्री, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 अगस्त को किया गया है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में यामाहा के जो सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड है उन्होंने बोला था कि अभी बिगर बाइक्स का कोई प्लान नहीं कर रहा है इंडिया में यामाहा। उन्होंने ये भी बताया था कि अभी यामाहा छोटे सेगमेंट की बाइक्स का प्लान कर रहा है, जैसे 150 से लेकर 250 सीसी सेगमेंट की बाइक्स का प्लान कर रहा है। तो ये जो R2 है ये 150 एंड 250 के बीच में फॉल आउट करती है। तो R2 अलग एक बाइक है जो R25 या फिर R3 के जैसे ही आ सकती है, मतलब जो लुक्स वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह है। एंड आजकल जो स्पाई शॉट्स वगैरह जो वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं यूट्यूब पे, अगर वो R2 है तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, लेकिन प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप R15 V3 का बजट लेके बैठे हो एंड R2 को ख़रीदना चाहते हो तो उसका बजट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये बाइक R15 V4 है या नहीं एंड ये कब लॉन्च हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि जो लोग R15 V3 लेना चाहते हैं लेकिन ये सब न्यूज़ वगैरह चल रहा है इसकी वजह से V4 का वेट कर रहे हैं, उनका बजट V3 वाला ही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड गो फॉर R15 V3। बिकॉज जिस तरीके के अपग्रेड्स ये स्पाई शॉट्स में दिख रहे हैं ये बाइक के ऊपर, उनको अगर ध्यान में रखें तो प्राइस एटलीस्ट 20,000 रुपये मिनिमम इंक्रीमेंट होगा, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा ही इसका ऑन रोड रहेगा अगर ये V4 है तो। अगर ये फोटो को आप देखोगे ना तो इसके अंदर सामने आपको USD सस्पेंशन दिया गया है जो नॉर्मल सस्पेंशन से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड इंडियन रोड्स के लिए आई वुड से ये जो नॉर्मल सस्पेंशन है यामा R15 V3 पे आता है वही ज़्यादा सक्सेस होता है। हालांकि जो स्टेबिलिटी है, जो कम्फर्ट है, वो आपको USD फोक और अपसाइड डाउन सस्पेंशन में अच्छा मिलता है, और आपको ब्रेकिंग के टाइम पे भी कंट्रोल ज़्यादा अपसाइड डाउन फोक्स में मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो एग्जॉस्ट भी चेंज किया गया है, इसकी फेयरिंग भी चेंज की गई है एंड सामने का जो डिस्क प्लेट उसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। दिखने में तो ये ऑलमोस्ट 300 mm का दिख रहा है डिस्क ब्रेक सामने का, जो मुझे लगता है कि यामा R15 V3 के बराबर नहीं है। यामा R15 V3 में आपको 282 mm का कुछ मिलता है, लेकिन ये वाला जो डिस्क प्लेट है ये फोटो में अभी आपको दिख रहा होगा ये बड़ा साइज का डिस्क प्लेट है। कुछ वीडियोज़ में ये भी दिखाया जा रहा है कि इसका पावर भी इंक्रीज होगा। भाई पावर वगैरह इंक्रीज करना क्या बच्चों का खेल है क्या? ऐसा थोड़ी है कि आप कोई भी 15 BHP का इंजन उठा के कर उसको 20 BHP का बना दो। तो पावर वगैरह अगर आप इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हार्डली 0.2, 0.3 या 0.5 BHP बढ़ सकता है, जो नेग्लिजिबल रहता है। बिकॉज BS4 से BS6 जब कन्वर्जन हुआ था वो टाइम पे ये बाइक की जो पावर है वो ऑलमोस्ट 0.9 और 1 BHP कम हो गई थी। 1 BHP अगर कम हो रहा है तो आराम से छोटी बाइक में विजिबल हो जाता है, मतलब आपको फील हो जाता है। तो अगर आप पावर इंक्रीमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पावर वगैरह ऐसा कंपनी कोई भी ऐसा इंक्रीज करती नहीं है। एंड अगर उन्होंने पावर इंक्रीज कर भी दिया तो प्राइस पक्का बढ़ेगा। तो अगर आपका बजट 1.8, 1.9 का है तो भूल जाओ, आपको 2 लाख से ज़्यादा ही इसका प्राइस देना पड़ेगा। सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर जो दिख रहा है मुझे वो है इसका सामने का जो फ्रंट पोर्शन है वो। ये बाइक की लाइट जो है ना LED लाइट, वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नाइट के टाइम पे नहीं दिखता है। ये सिर्फ दिखने के लिए अच्छी है, दिखाने के टाइम पे अच्छी नहीं रहती है। वो चेंज भी इसके अंदर हमें दिख रहा है। इसका जो सामने का जो
फ्रंट पोर्शन है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ लेफ्ट एंड राइट में आपको डीआरएल दिए गए हैं, एक स्ट्राइप दिया गया है दोनों ही साइड में एक एक, एंड बीच में जो रैम एयर इनटेक है फेक, उसके अंदर यामा MT-15 वाला एंड R7 वाला जो बल्ब है वो फिट कर दिया है, जो LED प्रोजेक्टर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डिज़ाइन तो कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन जो नाइट के टाइम पे जो विजिबिलिटी है, लाइट है, वो थोड़ा अच्छा आपको मिल जाएगा, एंड इट वॉज मच नीडेड। अगर ये सच में V4 है तो मुझे लगता है कि V3 का जो लुक्स है वो काफ़ी बेटर है V4 से। अब रही बात इसके लॉन्च होने की, तो यामा का अगर आप पुराना लॉन्च वगैरह देखोगे तो ये नॉर्मली है ना, कोई फेस्टिवल आता है ना वो टाइम पे ही लॉन्च करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लॉन्च हो जाएगा दिवाली के टाइम पे, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में। सो जो लोग R15 V3 खरीदना चाहते थे एंड अब V4 का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको इमिडिएटली कोई बाइक नहीं लेना है तो आप वेट कर सकते हैं, एंड अगर आपको अभी कोई बाइक लेना है एंड आपका बजट थोड़ा कम है 1.8-1.9 है, तो ये बाइक आप आराम से ले सकते हैं। मैं इसको डेली यूज़ कर रहा हूँ, एंड अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है, आपको V4 ही चाहिए, तो थोड़े दिन और वेट कर लो, महीना डेढ़ महीना और वेट कर लो। फिर से आपको बता दूँ, अगर V4 आ रहा है तो उसमें सेम इंजन आएगा यामा R15 का, एंड अगर R2 लॉन्च हो रहा है तो वो एक अलग इंजन रहेगा जिसके अंदर आपको VVA टेक्नोलॉजी मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस भी ज़्यादा रहेगा, उसका पावर भी ज़्यादा रहेगा, एंड यामा को लॉन्च भी करना चाहिए बिकॉज RS 200 भी मुझे लगता है कि अपग्रेड होने वाला है, एंड पल्सर की 250F भी आने वाली है, तो बहुत सारे बाइक्स आ रहे हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है कि यामा को भी एक 200 या 250 cc सेगमेंट में फेयरिंग वाला बाइक निकाल देना चाहिए, सो दैट कॉम्पिटिशन हेल्दी रहे, हमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिले कस्टमर्स को भी बाइक खरीदने का, एंड स्पेशली जो लोग यामा की बाइक लेना चाहते हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, प्लीज़ सपोर्ट करो उनको, बिकॉज जब भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लोग आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, प्लीज़ सपोर्ट देम, एंड जितना इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है वो सब आपके साथ शेयर किया जाता है, उनके पास भी फुल प्रूफ कोई डिटेल नहीं रहता है, तो उनको सपोर्ट करो, एंड जो लोग भी बना रहे हैं, अगर दूसरा यूट्यूबर भी मेरा कोई वीडियो देख रहा है, तो आई वुड से कीप मेकिंग वीडियोज़ एंड मेक श्योर कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को यूट्यूब पे, एक सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा बहुत उसके रिसर्च करो एंड इन्फॉर्मेशन देते रहो, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन गो टू शोरूम एंड सी द बाइक। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर पे मोबाइल में देखना चाहते हैं, एंड जो लोग हर बार शोरूम में जाके देख नहीं सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक साधन है कि ऑनलाइन आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। सो अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए कोई भी बाइक के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, एंड आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, एंड नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है, ये जो नए चेंजेस आ रहे हैं R15 V4 में, क्या वो आपको अच्छे लगे या नहीं, ये आप ज़रूर मुझे बताएं। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट, बाय बाय, टेक केयर।